देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ रही है संख्या, पिछले 24 घंटों में 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि। जिले में 28 हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टेस्ट बढ़ाए, आरटीपीसीआर व एंटीजन टेस्ट शुरू हुए। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए भेजे सैंपल, जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट के लिए जीवीयू प्रयोगशाला में भेजे सैंपल। एक मरीज अस्पताल में, 27 मरीजों का घर पर चल रहा है बातचीत। कमरे कहीं से भी ठीक नहीं था, एक हमारे चैम्बर के बैठ के कोई कमरा था जो ठीक हो। जब मैं भ्रमण करता था मुझे बड़ी शर्म आती थी, सारे कमरे इतने गंदे, सब कुछ जितना वो क्या कर ले उसका। देखिए होली के बाद से एक दो केस पर डे आ रहे हैं, तो आज की डेट में 28 एक्टिव केसेस हमारे पास हैं और पिछले 24 घंटे में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन सभी केस ये जो है मतलब हल्की तीव्रता वाले ही हैं, सब घर पे हैं, एक को छोड़ के, एक कैलाश में एडमिट था, इसमें कोई डेथ भी कैसी रिपोर्ट नहीं हुई है। और जहाँ तक नियंत्रण की बात है तो हमारा कोविड कमांड सेंटर पहले की तरह एक्टिव है, सभी जगह हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हाँ, बस जो नया कर रहे हैं ये कि सैम्पलिंग बढ़ा दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट जो है हमें ट्रेसिंग वो अच्छी हो रही है, एक्टिव केस सर्च भी हो रहा है। आई एल आर सारी के जो केसेज हमारे आ रहे हैं उनको भी हमने कहा है कि उसको रिपोर्ट करें ताकि हम उसकी सैम्पलिंग करा सकें। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल्स को हमारे द्वारा जो है वहाँ के जीएमवी में भेजा गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई उसके वार्ड। तो देखिए हमारे पास ऐसे कोई बेड आरक्षित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय हमारे दोनों ही अस्पताल चल रहे हैं, है ना। अब इतनी बीमारियाँ कहीं हीट वेव आती है कहीं ये, तो किस चीज़ के लिए बेड आरक्षित होंगे। लेकिन जो है जो भी मरीज आएगा उसको हमारे यहाँ उसको भर्ती किया जाएगा यदि आवश्यकता है। देखिए इन्फ्लुएंजा कोई ऐसा मरीज हमारे यहाँ नहीं जो भर्ती हो, बस सब हल्के वाले हैं, सब ओपीडी वैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं खास कुछ नहीं, देखिए कोविड अब इतनी पुरानी बीमारी हुई इसमें खास तो कुछ रह नहीं गया, ये तो सब सामान्य प्रक्रिया हुई अब कोविड मैनेजमेंट।